जपना की होंदा है, रसना नाम जपो तब मथिए, जबान उचारण करे ते मन सुने, गाविए सुनिए, जबान गायन करे मन सुने ते मन दे भावना होवे, इनू जपना कहिंदे ने। बड़े ध्यान नाल सुनना, पढ़न नालों जपना लखां गुणा औखा। मैं सैकड़े गुणा हजारा गुणा नहीं कह रहा, चलो कहण देना करोड़ा गुणा औखा, लखां गुणा भी नहीं। पढ़न वाले तो सारे ही ने, पढ़ दे, जपन वाले को एक कदम। बाणी पढ़नी है, लाभ है, कंठ हो सकती है, बाणी जपन वाला बाणी का रूप ही हो जाता है। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखानी। जप हो ही सकता है बाणी कंठ होवे, क्योंकि जबान उच्चारण करे ते मन सुने अखां बंद करके, ताई सुन सकेगा मन, ते शब्द अंदर प्रवेश करता जाएगा, मन जागदा जाएगा। एक दिन प्रभु नु वेखण दी दृष्टि मिल जाएगी। जपना भजन है, भोजन रोज रोज दा बच्चा कर रहे है। एक दिन पैर चलन लग पैने, हथ पकड़न लग पैने, जबान बोलन लग पई है, इन्हें जपना आरंभ कीता है। जपदया जपदया एक दिन प्रभु दिखाई देगा, सुरत चल पाएगी, प्रभु दा दामन हथ दे चल जाएगा, और जपदया जपदया एक दिन निरंकार दा रूप हो जाएगा। कई सजना ने इस तरीके नाल भी प्रश्न किए कि जे बाणी कंठ ना होवे ते फिर किवें जपियो, ते नहीं जप सकदा। सारी दुनिया दे अवतारी पुरुषां ने एक मंत्र दिता है। मंत्र भी बोल नूं कहिंदे ने, मंत्र भी शब्द नूं कहिंदे ने। मंत्र दे अखरी अर्थ ने बोल, ये गुरु का मंत्र है, गुरु का बोल है, गुरु का शब्द है, गुरु का वाक है। वाक कहिंदे ने, बोल कहिंदे ने, शब्द कहिंदे ने, मंत्र मंत्र दे होर कोई अर्थ नहीं है। बाणी मंत्र महापुरखन की, सारे महापुरखां दे जिहड़े बोल ने, ये मंत्र ने, संस्कृत दे च मंत्र कहिंदे। चलो बहुत सारे मंत्र तू नहीं जप सकदा क्योंकि तेनों कंठ नहीं है, तू अनपढ़ है, पर एक ते जप सकदा है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, जो प्राणी गोविंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। वाहिगुरु ते जप सकदा है, इतना ते कंठ हो सकदा है। सारे धर्म ने फिर मनुख की सहूलियत लई एक मंत्र चुनिया, राम ओम अल्लाह हो वाहिगुरु, ऐसे जप सकदा है। बाल्मीक नूं होर कुछ भी नहीं आउंदा सी, एको ही मंत्र जपदा रहे, उन्हें ही कपाट खोल देते, उन्हें ही सब कुछ दी सोझी करा देते। ए भी मैं अर्ज कर दिया, एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। प्रभा ते तारे खिसे, त्यों ए खिसे शरीर, ए दो अखर ना खिसे, सो गहे रहो कबीर। दो अखरां दा जप, सतनाम दा जप कबीर पंथी करदे ने, कबीर यही करदे सन। भावे शरीर भी बिरद हुंदा जा रहा है, खिसकदा जा रहा है, भावे रात भी खिसकदी जा रही है, पर ए अखर जिहड़े दो मैं रटदा पिया, नहीं खिसकदे, इत मैं जपी जा रहा, जपी जा रहा, जपी जा रहा। जपदया जपदया एक दिन मन सुनन लग पैंदा है, ते जे मन सुन लग पैंदा है तो फिर मन नो दिखाई देन लग पैंदा कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद मनो। जपदया जपदया समझ आ जाती है, सब प्रभु ही है, सब परमात्मा ही है, और कुछ भी नहीं। जपदया जपदया परमात्मा की लीनता नसीब हो जाती है, बूंद सागर हो जाती है। भोजन एक दिन शरीर नो पूरा कर देंदा है, भजन एक दिन मन नो पूरा कर देंदा है। उस पूरे मन नो कहिंदे ने जोत दे च जोत हो गया, ज्योति जोत रली संपूर्ण थी, ऐते पूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया, जोत दे जोत हो गया, शरीर पूरा हो गया है। खाक दे च खाक होया है, खाक तो आया सी, खाक तो खुराक, खुराक तो बनया सी, खुराक खाक हो गया, पूरा हो गया। मन तू जोत स्वरूप है, उस परम जोत तो आया सी, जोत दे जोत हो गया, पूर्ण हो गया।
शरीर खाक देच खाक हो गए उस तो पहले मन जोत देच जोत हो गए तो जीवन यात्रा सफल हो गई। सफल 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 भई यात्रा आवन जान रहे मिले सादा। शरीर खाक देच खाक हो गया है मन जोत देच जोत नहीं होया ये अधूरा जीवे है ये अधूरा जन्मया से अधूरा ही मर गया। शरीर पूरा होया मन पूरा नहीं होया यात्रा अधूरी रही एदा हुण फिर जन्म होएगा एदा हुण फिर जन्म होएगा। तन शमशान तक पहुंच गया मन भगवान तक नहीं पहुंचे। तन कबर तक पहुंच गया मन खुदा तक नहीं पहुंचे। ये जमया अधूरा से ये जीविया भी अधूरा फिर मन करके ये मरिया भी अधूरा। मन मरे दात मर जाए बिन मन मुए कैसे हर पाए। तन दा मरना पूरा होना खाक होना है मन दा मरना ते निरंकार होना है बिन मन मुए कैसे हर पाए। महज करा यात्रा अक्सर बहुतियां दी अधूरी रह जाती है संपूर्ण नहीं होती। अगर परमात्मा दिखाई देने लग पे है सुनाई देन लग पे है ते जबान बोलदिया प्रभु नु बोलदिया जबान नु रस भी आण लग पे है। भोजन दी बुरकी मुंह ते रखी ते स्वाद आ गया अजे खून ते नहीं बनी स्वाद आ गया अजे थले ते नहीं गई रस आ गया। वाहिगुरु जपदिया जपदिया रस आ जाए तो गुरबाणी कहती है परमात्मा रसना ते वस गए। ऐसी रसना फिका नहीं बोलेगी मिथ्या नहीं बोलेगी ऐसी रसना सत्या भी होगी ताकत भी होगी। प्रभु जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना रसना ते वस गया। वाहिगुरु आखदिया रस आण लग पवे रसना ते वस गया। जे रसना ते वस गया एक दिन फिर ऐसा होगा गुरमुख रोम रोम हर दयावे रोमा च वस जाएगा श्वासा दे च वस जाएगा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है भोजन पहले मुंह दे च वसदा है जबान नू रस आउंदा है खून बाद दे च बनदा है मास बाद दे च बनदा है। प्रभु दा नाम पहले जबान ते वसदा है श्वासा दे च बाद दे च प्राणा दे च बाद दे च। एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुर जन्म ना आवा। रोटी कितने देर च खा लें 15 मिनट 20 मिनट इन्ना ही टाइम लगता है 15-20 मिनट अमृत वेले उठ के जो वाहिगुरु मंत्र दा जप करता है ते जप इस ढंग नाल करता है जबान उचारण करे ते मन नो सरोता बनावे कोशिश करे मन सुनेगा नहीं ओदी आदत नहीं है। हुणे ही मैं अर्ज की मित्र नु सुन लैंदा पुत्र नु सुन लैंदा पत्नी नु सुन लैंदा पति नु सुन लैंदा गुरु नु नहीं सुनता आदत नहीं है। जे किधरे सुन लिया इको ही दफा शब्द सुन लिया फिर समझ लो सुनन तो बिना रह नहीं सकेगा रस आ जाएगा। जिस दिन वाहिगुरु आखदिया रस आ जाए उसे दिन समझना वाहिगुरु रसना ते वस गया। अजे तक किसे नु ये रस नहीं आया अजे ते रसना च भी नहीं वसया रोमा की गल दूर दी है श्वासा की गल ते दूर अनोज दिल्ली दूर अस्त अजे बहुत दूर दी गल है। अमृत वेले बैठ के ये जपना है जिमें दो वकत भोजन का अपना टाइम आंदा है दो वकत भजन का भी अपना टाइम है सानू दो वकत का सत्संग दिता है। ये गल वखरी है मोहम्मद साहब ने 5 वकत की नमाज मुसलमाना की चौली च पाई है। बदू लोग सन खूनखार लोग सन खाना जंगी ते बहुता जप करन इन्हां नू इस पासे लाई रखी है ताकि किसी वक्त खुदा इन्हां दे मन का हिस्सा बने। और धन ने मैं हैरान हाँ 5 वक्त का समा कढ़ दे कई कढ़ दे ते उन्हां सिखां बारे की कहांगे जो 2 वक्त का भी समा कोई नहीं कोई नहीं। अमृत वेले का समा बड़ा बरकतां वाला है। धन गुरु रामदास जी कहते ने हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। बड़ी बरकत है बड़ी बरकत है।
इनू शेख सादी साहब इंज कहंदे ने दुआ कुन बा शब चो गदाया सोज अगर मैं कोनी बादशाही बरोज जे तू दिन दे समय बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है ता रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों भिखारी बन जाया कर मंगता बन जाया कर। ये फकीर कहंदा जो चौथे पैर अमृत वेले खुदा दे अगों मंगते नहीं बन दे दिन नू बादशाहां दी तरह जीव ही नहीं सकन दे नहीं जी सकन दे। हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए। मैं फिर अर्ज करा रोटी खाने 15 मिनट लगते दिन भर भुख नहीं लगती शरीर दी ताजगी बनी रहती है। 15 मिनट का कीता होया अमृत वेले का जप 24 घंटे आनंद बनाई रखेगा ताजगी दई रखेगा। मन नू गमगीन नहीं होने देगा मन नू व्याकुल नहीं होने देगा मन नू चिंतातुर नहीं होने देगा। अगर ये जप कल तो कोई आरंभ करना शुरू करे तो समझ लेना ये ओ बच्चा है जिन्हू बोलन की जा चल गई जिदी सुरत भी चल पे ध्यान भी जुड़न लग पे समझ लेना ये कदमा नू चलन की जाच भी आ गई। जो परमात्मा का रूप हो जाए समझ लो ये घर ही पहुंच गया ये टिकाने ते पहुंच गया। मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे मन का घर परमात्मा है। जिस घर दे चापा रोज जाने हैं तन का घर है और तन का भी फिर असली घर कबर है चिता है। गौर निमाणी सड करे निगरिया घर आओ ऐने थावेया अपने घर दे छा कबर तेरा घर है। सारिया दे शरीर सहजे सहजे परिवार तो होके कारोबार तो होके कबर की तरफ जा रहे चिता की तरफ जा रहे शरीर ते अपने घर की तरफ जा रहे मन नहीं जा रहा कई जन्मां तो नहीं जा रहे। इस वासे गुरबाणी आवाजा मार दिए मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे घर आ परमात्मा दा घर ही तेरा घर है। और परमात्मा दे घर आके तू परमात्मा हो जाएगा। इस तरह के जिहड़े परमात्मा हो जाते ने मुक्त हो जाते ने मुक्त पुरुष जब फिर आ जाते ने संसार दे कल्याण हित इन्हां नूं अवतार कहिंदे ने। ये संत अवतार ने जपदिया जपदिया जो सच दा रूप हो गए सच दे समा गए और उसे च जी रहे ने इन्हां नूं संत कहिंदे ने भगत कहिंदे ने। संत राम में भेद किछ नाई एक जन कई मैं लाग करोरी। इंज कह ले दो तरह दे संत मुकत हो गए सन लेकिन फिर आ गए ने इन्हों अवतार कहते ने। जन्म की लोड़ ते नहीं सी वासना ते नहीं सी पर संसार दे कल्याण हित दया वस हो के आ गए ने। ये जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी आते ने ये जन्म तो ही पूरे आते ने। चीन विच कहावत है लाउत से बुढ़ा पैदा होया सी कोई बुढ़ा नहीं पैदा होता बच्चे की तरह सारे पैदा होते फिर ऐसा क्यों कह देता है। तन करके ते लाउत से भी बच्चे की तरह सी पर जन्म तो मन करके बुजुर्ग की तरह सी वो जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी सी। जैसे एक मिसाल देख के मैं समाप्ति करा 2.5 वर्या दे सन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज धन गुरु राम अमरदास जी महाराज के सिंघासन ते गोविंदवाल चढ़न की कोशिश पै कर 2.5 साल के बालक भजे हुए आ गए माता बानी जी उन्होंने चुक लिया आख्या लाल जी फिर कदी बैठन की कोशिश ना करना चढ़न की कोशिश ना करना ये तीजे गुरु नानक धन गुरु अमरदास जी का सिंघासन है इसते ना चढ़ना इसते बैठन की कोशिश ना करना। इतने च गुरु अमरदास जी आ गए उन्होंने बानी की कुख तो बालक गुरु अर्जन देव जी नूं लैके तखत ते बिठा दिता आख्या पुत्री इसे धुर दरगाहों तखत ते बैठा होया आया है असी इस नूं की ला सकदे हां ते बिठा सकदे हां ते रब दा बिठाया होया आया। इस वास्ते गुरबाणी कहिंदी है गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने संत राम में भेद किछ नाही एक जन कई मैं लाग करोरी।
एक जन्म तो ही पूरन है, एक जीवन दे साधना कर करके पूरन होंगे, बस इतना ही फर्क है। लेकिन पहुंचते दोवें एक ही जगह से, एक जगह से जिथे बैठा है जन्म तो, दूजा चल चल के भी उत्थे पहुंच गया। एक अवतार जगत दे कल्याण लई आया, एक जब जब के पूरन हो गया। पूरन पुरख संत, पूरन पुरख केवल संत होंदे ने। बस मैं दोहरा दें ते समाप्ति करा, मनुख अधूरा जमदा है, सारे ही अधूरे जमदा है, और अक्सर मनुख अधूरा ही जीवदा है, फिर अधूरा ही मरदा है। तन एक दिन मर जांदा है, मन मरदा ही नहीं। तन खत्म होके खाक हो जांदा है, मन खत्म नहीं होंदा। मन खत्म होके परमात्मा होंदा है। मन तो ज्योत स्वरूप है, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण तैयारा। ये खुशकिस्मती सारियां नूं नसीब होवे। सवेरे 15 मिनट का फैसला कर लेना, अमृत वेले जरूर जपना। अगर थोड़ा मन राजी होया तो समझ लेना है कि कथा का फल अज दे सतसंग का फल, ते कल भी ना जपया तो अज की कथा मनोरंजन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी सिर्फ 2 मिनट 5 दफा मैं उच्चारण करदा, पिछे तुसी करो, ये सवेरे करया करना। महाराज कहने रसना नाम जपो तब मथिए, इन बित अमृत पाओ। भोजन रसना द्वारा रस माणिया जांदा है, जबान पहले छूंदी टच करती है, भजन नूं भी पहले जबान नहीं टच करना है। तो सिर्फ 5 दफा दास उच्चारण करदा है पिछे तुसी, ताकि रोज ये जप आप करया करो, व्यर्थ नहीं जाएगा। पतित पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने गाले। मैं इतनी अर्ज कर दिया, तिल जितनी भी गालना थोड़ी व्यर्थ नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ खेड लाजमी बनेंगे, कुछ ना कुछ सिलसिला लाजमी बनेगा। तो सिर्फ 5 दफा पीछे तुसी उच्चारण कर दो। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जिंदगी रही, सेहत रही, फिर थोड़े जनवरी दे चरण परसांगे, सतगुर संयोग बनान, जो कुछ आपनों सरवन कराया है।